एमआई के लिए खेलेंगे सीएसके के धुरंधर प्लेयर अंबाती रायडू टूर्नामेंट से पहले खुद किया कंफर्म। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए खिताब जीतने वाले अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू मुंबई इंडियंस की टीम के लिए खेलते हुए नजर आने वाले। दरअसल आगामी इंटरनेशनल लीग T20 में मुंबई इंडियंस एयरमिटेंस का हिस्सा होंगे और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। बीते दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पॉलिटिकल पार्टी यूजन श्रीमका रायडू कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP को छोड़ने का भी ऐलान किया है। रायडू का इस लीग में शामिल होने ही पार्टी छोड़ने की वजह है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि भैया यहाँ पे रायडू ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं अंबाती रायडू 20 जनवरी से दुबई में आगामी ILT T20 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलूंगा और इसके लिए ही मैंने राजनीति दूर होने का फैसला किया। बता दें कि रायडू ने 28 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के CM YC जगमोहन रेड्डी की मौजूदगी में ये पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अब यहाँ पे अंबाती रायडू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए YSR कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की और उन्होंने लिखा, ये सभी को सूचित करना है कि मैंने YSRCP पार्टी छोड़ने और कुछ समय के लिए राजनीति से बाहर रहने का फैसला किया है और वो अब मुंबई इंडियंस की टीम ये नहीं कि वो मुंबई की टीम से खेलते हुए नजर आने वाले। तो आपकी क्या राय इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।